और बी टू रियल नंबर्स है, और वैल्यू ऑफ द रूट्स जो है एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस ऑफ द रूट्स जो है वो लेस देन वन है। अगर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, ये अपना क्वाड्रेटिक है, इसका दो रूट्स है, एक अल्फा है और एक रूट्स बीटा है। तो सच दैट यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि मॉड ऑफ अल्फ़ा लेसर देन वन है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अल्फ़ा का लेस देन वन है और बीटा का भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन वन है। तो इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो लेस देन वन है, ग्रेटर देन माइनस वन, बीटा का वैल्यू लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग वीटा इस थ्योरम यूज़ करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बता सकते हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक माइनस ऑफ बी बाई ए, तो बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस ए है और ए का वैल्यू वन है, तो आंसर आएगा ए ओनली। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यहाँ पर सी का वैल्यू माइनस बी है, ए का वैल्यू वन है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी, ठीक है ना। तो नाउ पहला जो है रिजल्ट शो करना है कि मॉड ऑफ बी जो है वो लेस देन वन है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वी नो दैट अल्फ़ा का जो वैल्यू है मॉड अल्फ़ा का वो लेसर देन वन है और मॉड ऑफ बीटा जो है वो भी लेसर देन वन है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे मॉड अल्फ़ा और मॉड बीटा, तो मॉड अल्फ़ा इंटू मॉड बीटा ये लेसर देन वन होगा, तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो इसका वैल्यू लेसर देन वन है। अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मुझे पता है वो माइनस बी है, तो इसका मॉड्यूलस भी लेस देन वन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस बी का मॉड्यूलस क्या आता है, प्लस मॉड ऑफ बी रखते हैं, माइनस एब्जॉर्व हो जाएगा तो वन। अब बी पता नहीं है कि ऐसा नंबर है पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो मॉड दे के रखना है, तो मॉड ऑफ बी लेस देन वन, यही अपना प्रूफ करना था। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो प्रूफ्ड हो गया। इसका सेकेंड रिजल्ट जो है ए प्लस बी लेसर देन वन दिखाना है, सम ऑफ ए प्लस बी लेसर देन वन। तो मैं एक ऐसा रिलेशन ले रहा हूँ ए प्लस बी माइनस वन, तो इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो ए प्लस बी माइनस वन, ए की जगह मेरे पास एक वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और बी की जगह मेरे पास है माइनस अल्फ़ा बीटा और माइनस वन। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप फैक्टराइज़ कर ले, अल्फ़ा को कॉमन ले ले, तो ये होगा वन माइनस बीटा, और यहाँ पर से माइनस वन कॉमन लेने से आपको मिलेगा वन माइनस बीटा। तो नाउ अल्फ़ा माइनस वन और यहाँ पर है वन माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस वन से माइनस वन को बाहर निकाले तो ये होगा वन माइनस अल्फ़ा इंटू वन माइनस बीटा। अब अल्फ़ा कैसा है, अल्फ़ा का जो वैल्यू है न्यूमेरिकली वन से छोटा है, तो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव, सामने नेगेटिव, तो पूरा वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ए प्लस बी माइनस वन लेस देन ज़ीरो है, तो वन को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी रिजल्ट अपना प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जाते हैं, बी माइनस ए ये लेसर देन वन दिखाना है, बी माइनस ए को लेसर देन वन दिखाना है, तो अपने को लेना है बी माइनस ए माइनस वन। बी का वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस अल्फ़ा बीटा, ए का वैल्यू क्या है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस वन। तो यहाँ से हम माइनस अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस बीटा, और यहाँ से माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस बीटा। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस वन माइनस कॉमन वन प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई विथ वन प्लस बीटा। तो ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लेस देन वन है। सामने में नेगेटिव है, तो पूरा क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, तो देयरफॉर बी माइनस ए माइनस वन इज लेसर देन जीरो, तो दिस विल इम्प्लाई बी माइनस ए लेस देन वन। तो ये थर्ड रिजल्ट था जो आपको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर जो है या सोल्यूशन जो है पसंद आया होगा। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस इज इन एपी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो टर्म है ये टर्म डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ओके ना, इज इन कॉन्स्टेंट एपी, इज इन ए नॉट, यहाँ पर जो भी टर्म्स है वो डिफरेंट होंगे, सो दैट उनका जो है कॉमन डिफरेंस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन कॉन्स्टेंट एपी होना चाहिए। यहाँ पर इज इन नॉन कॉन्स्टेंट एपी, नॉन कॉन्स्टेंट एपी में आना चाहिए, तो वो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये तीनों टर्म एपी में है, आपके पास टू का पावर एक्स है
और 2 का पावर एक्स स्क्वायर है और 2 का पावर एक्स क्यूब है। अगर ये एपी में है तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गया, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एंड टर्म, सम ऑफ द एंड टर्म ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम। ए एम जी एम प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ। तो अपने पास नंबर है 2 का पावर एक्स, राइट में लगा रहा हूँ, 2 का पावर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू 2 का पावर एक्स इंटू 2 का पावर एक्स क्यूब देन होल डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ से देखिए आप 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर एक्स क्यूब ये आता है लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 2 का पावर एक्स स्क्वायर फ्रॉम द 1, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से। तो ये आ गया 2 का पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब और होल पावर 1/2। तो ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम 1। तो ये टू कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, 2 का पावर 2 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। नाउ यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बेस जो है वो मोर देन 1 है, तो 2 एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स। 0 ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ से अपने को एक्स कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देन वी हैव 0 ग्रेटर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 0 इससे बड़ा है मतलब ये लेसर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कभी नेगेटिव होगा नहीं, और दोनों का प्रोडक्ट 0 या नेगेटिव आना चाहिए। तो ये वाला क्वांटिटी जो है ये अगर 0 कर देते एक बार एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 होने से पूरा 0 हो गया, इक्वल टू 0 के साथ मैच कर गया। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर सारा जो एक्स का पावर 0 तो 1 1 1, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट ए पी आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ए पी तो नॉट अलाउड, कॉन्स्टेंट ए पी तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा है कि ये वाला पार्ट को अगर 0 करते हैं तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगेन 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, ऑल आर 2, तो फिर आपको क्या मिल गया, कॉन्स्टेंट ए पी आ गया आपके पास, कॉन्स्टेंट ए पी। तो ये कॉन्स्टेंट ए पी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है कि एक हो सकता है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है कि एक्स नेगेटिव हो जाए, अगर एक्स नेगेटिव हुआ कोई भी नेगेटिव नंबर तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 हो जाएगा। अब चेक करके देखते हैं एक्स लेस देन 0 होने से क्या होता है, एक्स अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये वाला भी लेस देन 1 है, एक्स अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये भी लेस देन 1 है, तो दोनों का सम कितना हो गया, लेसर देन 2। अगर एक्स नेगेटिव क्वांटिटी है ये तो फिर पॉजिटिव बन गया स्क्वायर है, तो ये 1 से ग्रेटर है, सॉरी यस ये जो 2 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव है, एक्स का स्क्वायर करेंगे कोई भी नेगेटिव नंबर लेके तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके सामने में भी एक 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा होल क्वांटिटी 2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो नाउ एल एच एस इज़ मोर देन 2 एंड आर एच एस इज़ लेस देन 2। अगर आपने कोई नेगेटिव वैल्यू लिया एक्स का तो ये चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा। तो नाउ यहाँ से एक चीज़ क्या आएगा कि एक्स अगर 0 हुआ तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन दे रही है आपको। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्स क्या होना चाहिए, तो ये कंट्रडिक्शन आ गया, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो नाउ फ्रॉम हियर वी सी दैट एक्स बिलोंग्स टू 5, एक्स का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है जो वो तीनों टर्म एपी में हो, ओके ना। यहाँ पर आ जाते हैं नंबर थ्योरी से, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देखिए आप कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स का पावर एन माइनस 1 देन एक्स का पावर एन माइनस 2 ऐसे करके x का पावर n माइनस 3, ये कमते कमते कहाँ तक जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे तक है, ठीक है ना। अब ये वाला बताया गया कि ये एक प्राइम नंबर है, तो ये नंबर एक प्राइम मान लेते p, तो p इज इक्वल टू प्राइम ले लेते, p इज इक्वल टू प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम यहाँ तक। तो यहाँ से एक चीज़ एक काम करते, थोड़ा सा जगह को पहले सेफ करते, ठीक है ना, इसको जरा जगह को सेफ कर लेते, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो क्वांटिटी दिया है आपको 1 प्लस, अरे यार जब मामला है, चलो यहाँ पर क्या रखना कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर,
ये जो क्वांटिटी है आपके पास एक्स का पावर एन माइनस वन, ये एक प्राइम नंबर है, तो ये एक प्राइम है, इसका नाम दे देते पी। तो इसको अगर हम लोग एक्स माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट टर्म कितना है एक्स पावर एन माइनस वन, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक प्राइम नंबर पी देगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, एक्स पावर एन और वन का पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो ये आपको क्या दे देगा, पी, प्राइम नंबर पी। इसका मतलब एक्स पावर एन माइनस वन ये होगा पी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन के बराबर। इसको नाम दे देते हैं दोनों वन नंबर इक्वेशन। अब ये वाला एन जो है प्राइम होगा, ठीक है ना, ये अपने को प्रूफ करना है, सो दैट एन इज़ अ प्राइम नंबर। अब प्रूफ करो कि एन प्राइम है, वेयर एक्स एंड एन आर द पॉजिटिव इंटीजर, एक्स और एन ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, तो सो दैट एन इज़ अ प्राइम नंबर। अब मान लेते हैं कंट्रडिक्शन यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कि सपोज दैट एन इज नॉट प्राइम, एन जो है प्राइम नहीं है, एन इज नॉट प्राइम। तो इफ एन इज नॉट प्राइम देन वी कैन राइट एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर आर एंड एस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वेयर वेयर आर एंड एस आर सम इंटीजर्स, ठीक है ना, क्योंकि अगर एन प्राइम नहीं है तो एन तो दो प्राइम का प्रोडक्ट में हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। एवरी प्राइम नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वेयर आर एंड एस बिलोंग्स टू प्राइम्स, वो लोग प्राइम नंबर होगा। अब इसको उठा के एक नंबर इक्वेशन में बैठा देते हैं, तो फ्रॉम वन व्हाट वी गेट, फ्रॉम वन वी हैव एक्स का पावर एन, आर एन मतलब आर एस है माइनस वन, विच इज़ इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन। यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स का पावर आर ले लेते हैं और होल पावर एस, और वन का भी पावर एस कर देते हैं, तो नाउ विच इज़ इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन। नाउ वी हैव एक्स पावर आर माइनस वन, देन वी हैव एक्स पावर, ये जो आर है इसका पावर कितना, एस माइनस वन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, फिर एक्स का पावर आर, फिर एक कम हो गया एस माइनस टू, ऐसे करते करते एक्स का पावर आर, एक्स का पावर आर होल पावर वन, एंड देन ओनली यू हैव एक्स पावर आर ज़ीरो, दैट मीन्स यू हैव एक्स आर, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस वन। अच्छा, एक्स का पावर आर होल पावर जब ज़ीरो होगा तो ये नंबर आपका वन हो जाएगा, है ना, ये नंबर जो है ये वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिमिलरली एक्स पावर आर और वन पावर आर, ये वन को वन पावर आर लिखते हैं, इसको ब्रेकअप करते हैं, एक्स माइनस वन, तो यहाँ से एक आएगा एक्स आर माइनस वन, पावर एक एक करके रिड्यूस होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, एक्स एंड देन वन, और इसके साथ ही क्या है आपके पास, एक्स का पावर आर होल पावर एस, ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पर भी वन है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, पी इंटू एक्स माइनस वन है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं एक्स माइनस वन अगर कैंसिल कर देते तो व्हाट वी हैव, द प्राइम नंबर पी इज रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सप्रेशन एक्स टू द पावर आर माइनस वन, एक्स टू द पावर आर माइनस टू, इन दिस वे वी हैव वन लास्ट टर्म, एंड हियर वी हैव एक्स पावर आर होल पावर एस, दैट इज जस्ट लाइक दिस वन। तो नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट द पी, सिंस पी इज द रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सप्रेशन, तो वी कैन से दैट द नंबर पी इज नॉट प्राइम बिकॉज इट इज रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ सम अदर प्राइम्स। तो देयरफॉर वी गॉट हियर पी इज नॉट प्राइम, विच इज कंट्रडिक्शन, पी इज नॉट प्राइम बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन इट इज़ सेड दैट, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि पी आपका प्राइम है, तो आपका पी प्राइम नहीं आ रहा है, कंट्रडिक्शन हो रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज वी एज्यूम दैट एन इज ए नॉट प्राइम, तो देयरफॉर वी अराइव एट द कंट्रडिक्शन, वी अराइव एट द कॉन्ट्रडिक्शन, तो हम लोग जो है कॉन्ट्रडिक्शन में आ गए, तो देयरफॉर वी कैन से दैट एन इज अ प्राइम, एन जो है वो एक प्राइम होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, सारे बच्चे को क्लियर है, तो चलो नए क्वेश्चंस की तरफ फिर मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चंस को कर लेते हैं। नाउ
अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू पासिस थ्रू द पॉइंट 2,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। आपको इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बताना है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना लेते हैं कि ये आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल का सेंटर आपको पता है ना, इस सर्कल का सेंटर है 0,0। ये सर्कल का एक कॉर्ड है जो एक पॉइंट 2,2 से पास कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चंस पे एक चीज़ मिसिंग है, वो आपको लिख लेना है। तो कौन सा पार्ट मिसिंग है? यहाँ पर ये जो पॉइंट पी है जहाँ से वो पास कर रहा है, ये सर्कल को दो पॉइंट में कट किया है, पी ए एंड पी बी। तो जहाँ पर पी ए बाई पी बी, इसका वैल्यू गिवेन है 1/3, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चंस में गिवेन है, जो प्रिंट नहीं हुआ है। तो पी ए बाई पी बी गिवेन है आपको 1/3। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। इस इक्वेशन का कॉर्ड आपको बताना है। तो सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और ये टेंजेंट ऐसा जाएगा। ये आपका सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट में टच करता हुआ निकलेगा, टी पॉइंट में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। पी टी स्क्वायर एक थ्योरम है, उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अच्छा, पी से ए तक ये रेशियो 1/3 है, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। और ये वाला पी से लेके बी तक 3x है, तो यहाँ तक x है, तो ए बी का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2x हो जाएगा। ये लेंथ आपका 2x हो गया। तो नाउ पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब पी टी का लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। पी टी का लेंथ कैसे निकालेंगे? पी टी जो है वो आएगा रूट ओवर ऑफ एस वन। तो सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट को बैठा देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर सर्कल का कंप्लीट इक्वेशन लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड का 2 को लेफ्ट में लाके इक्वल टू 0 बनाना है। तो यहाँ से आपको रूट ओवर ऑफ 6 मिल जाएगा। तो नाउ रूट ओवर ऑफ 6 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए का वैल्यू क्या है? एक्स है। पी बी का वैल्यू क्या है? 2x है। तो नाउ इट इज़ वर्थ 2x स्क्वायर और यहाँ पर 6। तो यहाँ से क्या मिला? 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो नाउ व्हाट वी हैव? रूट ओवर ऑफ 3 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू क्या आ गया? रूट ओवर ऑफ 3। तो ए बी का लेंथ कितना हो गया? 2√3। 2√3। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ किया है मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देख लो इसको। इसका लेंथ जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर पी ए इंटू पी बी लिया मैंने, पी ए इंटू पी बी। तो पी बी का लेंथ तो आपको पता है कितना है? पी बी का लेंथ आपको पता है, पी बी का लेंथ है, थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने। पी बी का लेंथ आप देख लो 3x है, पूरा लेंथ जो है वो 3x है। तो x इंटू 3x, तो ये कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर। तो ये काटेंगे 2, तो x इज इक्वल टू आएगा रूट ओवर ऑफ 2। तो यहाँ से जैसे रूट ओवर ऑफ 2 आएगा, तो ए बी का लेंथ हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। सर्कल का इक्वेशन ये है, तो यहाँ से रेडियस आपको पता है रूट ओवर ऑफ 2 है। तो 2√2 असल में क्या देगा? ए बी। तो ए बी असल में ए बी नहीं है, वो डायमीटर है। तो ए बी इज़ इक्वल टू द डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर है तो ए बी के ऊपर में सेंटर होगा, तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 ए बी के ऊपर में। तो नाउ ए बी लाइन के ऊपर में एक पॉइंट मुझे मिल गया 0,0 और एक पॉइंट मिल गया 2,2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ये दोनों पॉइंट के हेल्प से ए बी का इक्वेशन निकालेंगे। तो जहाँ पर दो पॉइंट गिवेन है और दोनों में एक्स और वाई का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो इक्वेशन ऑब्वियसली वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। नाउ दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो नंबर है आपके पास 5 का पावर 6, 6 का पावर 7 और 7 का पावर 8, ऐसे करते करते आपके पास है 30 का पावर 31, और ये पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट में कितने सारे ज़ीरो आएंगे। तो हमेशा याद रखिए, ज़ीरो आने का क्राइटेरिया क्या है कि जब भी आप एक टू और एक फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है। तो इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ टू ज़्यादा है। ये इस केस में जितने बार फाइव आएगा उससे बहुत ज़्यादा बार टू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 प्रेजेंट है जिसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 प्रेजेंट होगा, 8 का पावर नहीं, जहाँ पर 2 है 5 प्रेजेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ़ टूज़
आर प्रेजेंट मोर देन द नंबर ऑफ फाइव्स। तो अगर हम लोग ये पता कर लेते हैं इस इक्वेशन में कितने सारे फाइव आ रहे हैं, और टू तो उससे ज़्यादा आएगा, तो जितने सारे फाइव आएगा उतने सारे हम लोग टू और फाइव का पेयर बना के उतने सारे ज़ीरो निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ज़ीरो बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर फाइव कहाँ कहाँ आने वाला है। फाइव का पावर सिक्स में फाइव आएगा, टेन का पावर इलेवन में आएगा, फिफ्टीन का पावर सिक्सटीन में आएगा, ट्वेंटी का पावर ट्वेंटी वन में फाइव आएगा, ट्वेंटी फाइव का पावर ट्वेंटी सिक्स में आएगा, और थर्टी का पावर जो है वो थर्टी वन में आएगा। तो यहाँ से आपको कितने सारे फाइव मिलेंगे, सिक्स टाइम्स। यहाँ से कितने बार फाइव मिलेंगे, इलेवन टाइम्स। यहाँ से कितने बार मिलेगा, सिक्सटीन टाइम्स। ट्वेंटी से कितने बार मिलेगा, ट्वेंटी वन टाइम्स फाइव मिलेगा। सबका पावर आप देख लीजिए, यहाँ से ट्वेंटी सिक्स टाइम मिलेगा, बट ट्वेंटी फाइव जो नंबर है उसको आप लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव। तो यहाँ से आएगा ट्वेंटी सिक्स टाइम और एक बार ट्वेंटी सिक्स टाइम, तो फिफ्टी टू टाइम्स। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, थर्टी वन टाइम्स, ठीक है ना। तो अब ये सबको ऐड कर देते हैं, एक दो तीन, तीन और एक चार, चार छः दस, दस दस अच्छे सोलह, सोलह और एक सत्रह का सात हाथ में रहा, एक तीन और एक चार, पाँच चार नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह और एक बारह, और बारह और एक तेरह, 137। इतना सारा ज़ीरो आएंगे इस प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पी का एक वैल्यू दिया हुआ, वन इंटू टू इंटू थ्री, इन दिस वे आपके पास है 111, ठीक है ना। अभी आपको बताना है कि इस प्रोडक्ट में कितने सारे ज़ीरो आने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ़ ज़ीरो डिपेंड करता है टू और फाइव के ऊपर में। अगर आपके पास वन पेयर ऑफ़ टू एंड फाइव है तो एक ज़ीरो तो आ ही जाएगा। अगर आपके पास टू और फाइव का दो पेयर बन रहा है तो एंड ऑफ द नंबर में आपको दो ज़ीरो मिल जाएंगे। तो जितना सारा आप टू और फाइव बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट में भी जितने बार फाइव आएंगे उससे बेसी बार टू आ जाएगा, क्योंकि टू जब रिपीट होता है उसका डिफरेंस कम है। टू टू में रिपीट हुआ, फिर फोर में हो जाएगा, फिर सिक्स में रिपीट हो जाएगा, फिर एट में हो जाएगा, दो दो का गैपिंग है। लेकिन फाइव में बड़ा बड़ा गैपिंग है, फाइव में होगा, टेन में होगा, फिफ्टीन में फाइव आएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम टू आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितना होंगे वो डिपेंड कर रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ़ फाइव के ऊपर में। तो हम लोग का सिर्फ टारगेट क्या है कि ये कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर फाइव कितने टाइम्स प्रेजेंट है और कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फाइव का वो नंबर लूँगा जो फाइव का मल्टीपल है। तो फाइव के मल्टीपल में क्या क्या है, फाइव है, टेन है, इन दिस वे आपको मिलेंगे 110 आखिर नंबर। तो इसमें टर्म कितने सारे, तो ये जी पी ए पी सीरीज फॉर्म किया है, तो फर्स्ट टर्म 5 है और टोटल लास्ट टर्म जो है वो 110 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टर्म 5, नंबर ऑफ टर्म्स वी डोंट नो, इन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 5 इज इक्वल टू द लास्ट टर्म। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि n माइनस वन इंटू फाइव इसका वैल्यू जो है 105 है, और यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 ओवर 5, दैट मीन्स 21, और यहाँ पर एक माइनस वन था इसको वहाँ सेंड कर दीजिए तो 22। तो इस जो टर्म है, इस जो सीरीज़ है, इसमें आपके पास 22 टर्म्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने वो टर्म निकाला जो सिर्फ 5 का मल्टीपल था, वो टर्म मैंने कैलकुलेट किया। तो ऐसा भी तो टर्म है जहाँ 25 आया होगा, 25 का डबल आया होगा, तो वहाँ पर दो दो बार करके 5 प्रेजेंट है लेकिन मैंने एक ही बार काउंट किया है। तो एक काम करते, ऐसे टर्म को निकालते हैं जो 25 का मल्टीपल है ना। 25 एक बार आएगा, दो बार करने से 50, तीन बार में 75 आ जाएगा, चार बार में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कितने सारे टर्म आपके पास आ रहे हैं, ऐसे टर्म आ रहे हैं चार बार, ठीक है ना। चलो, ऐसे टर्म आ रहे हैं अपने पास चार बार, तो 25, 50, 75, 100 और उसके बाद 125, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है जिसमें मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 22 ज़ीरोज़ आएंगे, मतलब 22 बार 5 प्रेजेंट है, यहाँ पर चार बार एक्स्ट्रा, तो जो काउंट नहीं किया गया था तो वो है 26 बार। तो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस प्रोडक्ट में 26 टाइम्स आएंगे। इस सम्स को बहुत सारे बच्चे बॉक्स प्रोडक्ट से भी कर लेते हैं, बॉक्स फंक्शन यूज़ करके। तो यहाँ पर लास्ट टर्म जो है वो 111 है, तो 1 से लेके 111 टर्म का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल नोटेशन में होता है 111 और उसका फैक्टोरियल। तो हम लोग करते क्या है कि 111 का फैक्टोरियल लेते हैं और इसको 5 से डिवाइड करके इसका बॉक्स ले लेते हैं। फिर हम लोग लेंगे 111 का फैक्टोरियल, 111 का फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड करेंगे 5 का स्क्वायर मतलब 25 से, और फिर इसका बॉक्स ले लेंगे। फिर हम लोग लेंगे 100
11 का फैक्टोरियल और इसको डिवाइड करेंगे 5 क्यूब 125 से। तो यहाँ पर 125 से देखो मैंने लिया नहीं है क्योंकि 125 आएगा ही नहीं, आपका लास्ट टर्म 111 है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा नोटेशन मिस्टेक्स हो रहा है, ये यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप डिवाइड करके देख लीजिए, जब 111 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूने 10, 5 दूने 10 22, 22 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका बॉक्स 22 होगा। जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 25 100 आएगा, 11 रिमाइंडर बचेगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका भी जब आप बॉक्स लेंगे तो 4 हो जाएगा और बाकी सारा टर्म तो 0 ही है। तो यहाँ पर भी इस मेथड्स में भी आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट वो 26 ही आ रहा है, 26 आ रहा है ना। चलिए ये सम्स को कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पर बोला है कि पी का किस वैल्यू के लिए 11 पॉइंट इस सर्कल के अंदर में होगा। तो इनसाइड द सर्कल का एक कंडीशन होता है, तो वो क्या है कि अपने पास एक्स का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर है प्लस 2x है और प्लस पी है, ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को डाल के और इसको लेस देन 0 कर देंगे, तो 1 मतलब एस वन जो है वो लेस देन 0 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये पी हो गया, ये लेसर देन 0, इसका मतलब पी लेसर देन -4, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अब करते क्या है कि आपका जो पॉइंट है वो तो सर्कल के अंदर में होना ज़रूरी है ना। अब सर्कल के अंदर में होगा और सर्कल का सेंटर आपको पता है, यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और नेगेटिव साइन ले लेते हैं। वाई का कोऑफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो 0 0 होगा। यहाँ पर अगर इसका रेडियस का बात करें तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 1 रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी। अच्छा इसी सर्कल के अंदर में एक पॉइंट प्रेजेंट है जो है 1,1, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट 1,1 का, तो ये होगा 1 माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन होल स्क्वायर एंड देन 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 4 प्लस 1 रूट ओवर ऑफ 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला लेंथ रूट ओवर ऑफ 5 है। तो अगर इस पॉइंट ये पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो रेडियस तो बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस पी, ये जो रेडियस है ये ग्रेटर देन है रूट ओवर 5 से। तो इसको जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा रेडियस जो है वो ग्रेटर देन रूट 5 है, यस ठीक है। ये अब एक काम करते हैं, माइनस पी ये ग्रेटर देन है 5 माइनस 1 मतलब +4 से, तो पी लेसर है -4 से, यस क्राइटेरिया तो ठीक ही आ रहा है अपना, पी लेसर है -4 से, इसमें तो कुछ गड़बड़ी है ही नहीं, पी लेसर है -4 से, है कि ना। यस तो यहाँ पर दोनों ही क्राइटेरिया मैंने यूज़ करके देखा कि आपका जो वैल्यू है वो पी का वैल्यू जो है वो -4 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, पी का वैल्यू -4 से छोटा होना चाहिए तब ये हमेशा सर्कल के इनसाइड में होगा। -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यस करेक्ट है, रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मीन्स -p, यस करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द इंटरवल -1 से +1। तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है एफ एक्स जो है एक्स का क्यूब प्लस 3x एंड प्लस k। तो वट वी नो दैट एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल ज़ीरो, एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल ज़ीरो। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एटलीस्ट वन रियल ज़ीरो होना चाहिए, मतलब एक तो होगा, दो भी, बाकी दोनों भी रियल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बाकी दोनों रियल है कि नहीं या कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले आसान तरीका है कि इसको हम लोग देख लेते हैं इसका नेचर क्या है। तो जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा 3x² + 3। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, x² + 1, तो यहाँ से ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन में कभी कहीं पर भी फंक्शन ने मैक्सिमम मिनिमा नहीं ले रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस क्यूबिक इक्वेशंस का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे होगा, ये मान लेते हैं ऐसे कुछ ग्राफ चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, ऐसे चले जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना। ये बाबा ये जाके थोड़ा सा यहाँ पर इनइक्वालिटी से क्यों मैच हो गया, ठीक है ना। तो ये क्यूबिक का कर्व है, तो ये ऐसा मान लेते हैं ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है ना। एक बार कट किया अपने एक्स एक्सिस को, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, पूरा जो है तीनों रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी अगर ऑकर करेगा तो पेयर वाइज करेगा। कर्व इंक्रीजिंग है तो कर्व जो है वो अगर एक्स बढ़ता रहेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, आप यहाँ पर देखिए के का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, तो अगर इस कर्व में आप एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ से एफ एक्स जो है वो भी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक्स टेंस टू अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो आपका माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो एक्स अगर बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एक ब्रांच नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ गया, तो कहीं ना कहीं तो एक बार एक्स एक्सिस को कट किया होगा। अब कर्व में जो कहीं पर मैक्सिमम मिनिमम वगैरह नहीं है, डायरेक्टली इंक्रीज कर गया, इसीलिए एक बार एक्स एक्सिस को कट किया है और बाकी जो दोनों जीरोज है वो कॉम्प्लेक्स जीरोज है, ठीक है ना। तो इस कोई भी के ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पर इसका डिस्टिंग रियल रूट्स होगा, हैज़ टू डिस्टिंग रियल रूट्स, इसका एक ही रियल रूट्स है, तो देयर फोर के बिलोंग्स टू फाई, ऐसा कोई भी के आपके पास नहीं है। ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन अगर डिफाइंड होगा तो इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका डिफाइंड होने का क्राइटेरिया है कि 2x + 7 ये नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल टू -7/2 हो। इसको डिफाइंड होने का क्राइटेरिया क्या है कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू -4 हो। अब यहाँ पर आप नंबर लाइन बना लीजिए, एक नंबर है -4 और एक नंबर है -3.5, तो एक -4 है और एक -3.5 है, ठीक है ना, -3.5। तो आपका वैल्यू -4 से बड़ा होना चाहिए और -3.5 से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब वैल्यू यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो इसके बाद कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, लेने के बाद यहाँ पर बैठा दीजिए, तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट होगा क्या, दोनों पॉजिटिव हो गया, तो एल एच एस इज़ पॉजिटिव बट राइट हैंड साइड इज़ नेगेटिव, राइट हैंड साइड इज़ 0। तो एज ए रिजल्ट व्हाट, कंट्राडिक्शन कम, तो देयर इज़ नो सोल्यूशन, फाई नल सेट इज़ द सोल्यूशन। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक्स को निकालना है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 का पावर x + 2 इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास, या फिर एक काम करते हैं 2 का पावर x कॉमन लेते हैं, सिर्फ 2 का पावर सिर्फ x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, 2 का पावर x जैसे आप कॉमन लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और 2 का पावर 4 16 आ जाएगा। ग्रेटर देन 5 का पावर x जैसे कॉमन लेंगे तो 5 का पावर 1 होगा और 5 के पावर 2 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का पावर x, तो नाउ इट इज़ 4, देन -8, देन -16, ये ग्रेटर देन क्या होगा, 5 का पावर x, देन 5 एंड देन -25, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट विल हैपन, 2 का पावर x, नाउ 8 4 -8 -4, -4 -16 -20 एंड देन ग्रेटर देन 5 का पावर x, और यहाँ पर भी -20। तो जैसे आप 20 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से क्या होता है आपको पता है कि साइन चेंज हो जाता है, तो ये 5x से छोटा हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने नेगेटिव से डिवाइड किया है। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई या नेगेटिव से डिवाइड वो इनइक्वालिटी साइन को चेंज कर देता है। तो ये आपके पास 2/5 है, x ये लेसर देन 1 है। तो x का एक ऐसा पावर बताइए जिसके लिए ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी लेसर देन 1 वैल्यू है। तो एक लेसर देन 1 वैल्यू को और भी छोटा करने के लिए उसका पावर को आपको पॉजिटिव रखना होगा। आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर बैठा दीजिए, उसका पावर हमेशा 1 का पावर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, 1 से छोटा नंबर है आपके पास और 0 से बड़ा, तो वो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। वी नो दैट a पावर n इज़ लेसर देन 1, ग्रेटर देन 0,
इफ़ एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड ए इज़ लेसर देन वन ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसा नंबर है जो जीरो से वन के बीच में, उसका पावर अब जितना भी बड़ा करते रहेंगे वो नंबर उतना छोटा होता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते, नहीं तो वन आ जाएगा और वन लेसर देन वन हम लोग नहीं बोल सकते। तो एक्स का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो के बाद से और अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन के, लास्ट दो क्वेश्चन बच गए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, मान लेते कि आपने एक्स को कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक्स को आप कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर, तो जैसे एक्स पॉजिटिव होगा तो ये डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो देयरफॉर देयर इज़ नो रियल सोल्यूशन। दूसरा केस है कि मैं माइनस एक्स को पॉजिटिव रियल नंबर लेता हूँ, तो माइनस एक्स अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो इन दैट केस सेवन इंटू ये रूट ओवर ऑफ एक्स है, ये कॉम्प्लेक्स देगा आपको, क्योंकि आपने माइनस एक्स को पॉजिटिव पकड़ा है, तो एट ऑफ ये वाला जो पार्ट है ये रियल एक्स होगा, यहाँ पर रियल होगा, और देन प्लस 15 बाई एक्स क्यूब एन इज इक्वल टू 98। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि अगर आपने पॉजिटिव एक्स लिया और नेगेटिव एक्स लिया तो दोनों ही केस में आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो रियल सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। थर्ड केस हो सकता है कि मैं एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कर दूँ, दोनों को इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ से पता चलेगा कि एक्स आपको ज़ीरो लेना होगा। तो आप एक्स जैसे ही जीरो लेंगे ये पार्ट वैनिश हो गया, ये पार्ट वैनिश हो गया, बट ये पार्ट का क्या, ये 15 बाई एक्स क्यूब ये तो इन्फिनिटी होकर बैठा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड 98, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्स बिलोंग्स टू फाई है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं इसके तरफ, ये क्वेश्चन जो है बेस चेंजिंग फार्मूला के ऊपर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बेस चेंजिंग फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, बेस चेंजिंग फार्मूला, ठीक है ना। तो बेस चेंजिंग फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये होगा लॉग एक्स बाई लॉग थ्री, बेस लॉग एक्स बाई लॉग थ्री, दोनों का बेस हम लोग जो है एक ही रखते हैं टेंथ करके, ठीक है ना। तो मैं टेन लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना। फिर यहाँ पर लिखते हैं लॉग एक्स और यहाँ पर लिखते हैं लॉग फाइव, फिर यहाँ पर लिखते हैं लॉग एक्स और यहाँ पर लिखते हैं लॉग ऑफ सेवन, यहाँ पर भी ऐसे करके ब्रेकअप कर देते, तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ एक्स बाय लॉग ऑफ थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स बाई लॉग ऑफ फाइव, लॉग ऑफ फाइव प्लस यहाँ पर फिर आएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा लॉग ऑफ फाइव इंटू लॉग ऑफ सेवन, और एक टर्म है लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ सेवन इंटू लॉग ऑफ थ्री। तो करना क्या है कि आप यहाँ से लॉग एक्स को कॉमन ले लें, ये तीन बार प्रेजेंट है तो होल क्यूब, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास लॉग ऑफ थ्री मल्टीप्लाई लॉग ऑफ फाइव मल्टीप्लाई लॉग ऑफ सेवन, ठीक है ना, लॉग ऑफ सेवन ये बच गया। राइट साइड में आपके पास लॉग एक्स होल स्क्वायर बाहर में आ रहा है, और उसके बाद जो भी टर्म बच रहा है वहाँ से अगर आप ये टर्म को कॉमन ले ले लॉग थ्री लॉग फाइव नीचे से और लॉग सेवन को कॉमन ले लीजिए, तो अभी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर लॉग ऑफ सेवन आ जाएगा एक प्लस लॉग ऑफ फाइव सेवन है तो थ्री आ जाएगा, एंड सेवन एंड थ्री है तो फिर यहाँ से फाइव आ जाएगा, है ना, फाइव थ्री एंड सेवन। तो यहाँ पर आप गौर करके देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये टोटल वैनिश हो गया, दोनों तरफ से कट गया। अब यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर है या लॉग एक्स क्यूब है, तो जैसे आप इसको काट के हटाएंगे तो इसको एक बार ज़ीरो करना होगा, सो दैट वी आर गेटिंग द रूट्स फ्रॉम हियर। तो एक्स इक्वल टू टेन पावर जीरो दैट मीन्स वन, तो एक रूट्स तो ये आ जाएगा, और बाकी जो रूट्स बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं वो क्या आ रहा है। तो दो काटने के बाद एक लॉग एक्स बच गया बेस टेन, और यहाँ पर आपके पास है लॉग सेवन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव बेस टेन, तो यहाँ से क्या आ रहा है लॉग ऑफ 15 इंटू सात 105 बेस 10, तो वी हैव फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू 105, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो एक्स का दो वैल्यू आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, 1 and 105, ओके ना। तो दिस टू आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, और ओलम्पियड के ऊपर और आई टी मेन्स और एडवांस के ऊपर हम लोग ज़्यादातर जो है ध्यान देते हैं, और उसी के ऊपर में क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
और मेरे स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो भी डाउट हो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दे, कोचिंग के बच्चे भी क्वेश्चंस को पर्सनली व्हाट्सअप कर दे डाउट्स को, सो दैट मैं उसको अगले वीडियो में क्लैरिफाई कर सकूँ। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द